सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। क्या तुम भी बिना ब्रश के नाश्ता करोगी? ये है हमारी फिल्म का हीरो। इसका नाम है नागेश। इसकी जॉब है ये परेशान और जॉबलेस लोगों की मदद करता है, रियल एस्टेट ब्रोकर। इसके दोस्त हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं कि इसने अभी तक एक भी डील नहीं की है, क्योंकि ये ईमानदारी की मिसाल है। मुझे 500 चाहिए। तुम 10 बार से शर्त हारती आ रही हो। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कह रही थी किसी ना किसी दिन आप कोई बड़ी डील फाइनल करके आएंगे, और हर बार की तरह यह शर्त हार गई। ए, ए लक्ष्मी, नाश्ता तो कर लो। यार मेरी जरा तंगी चल रही है, तो मुझे 500 रुपए देगा? तेरे लिए कमाने का यही आसान तरीका है, फिर इसे पैसे बाहर कमाने की क्या जरूरत है? माँ, बेरोजगार ऑफिसर आया है। तेरे मन की आवाज मैं सुन सकता हूँ, जा जा। कॉफी पी लो बेटा। जिसके अंदर बुद्धि की कमी होती है उसे बेवकूफ कहते हैं, पर तुम बहुत बुद्धिमान हो। Thanks. जो बुद्धिमान होता है अगर वो पैसे कमाने में बुद्धि ना लगाए तो उसे मूर्खों का राजा कहते हैं। माँ, तुम्हारे छोटे भाई ने तो कार भी खरीद ली है और तुम बाइक से चलते हो, और वो भी तुम्हें उसी ने दी है। उसने तो सिर्फ इनिशियल पेमेंट किया था, बाकी सारी ईएमआई तो मैं ही भर रहा हूँ ना। जो बादल बहुत गरजते हैं ना, वो कभी बरसते नहीं है, याद रखना। जो शांत रहते हैं बस उन्हीं की जीत होती है। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। माँ, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें कल पता चल जाएगा। माँ, जो शादी करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वाइफ के आ जाने से तेरी लाइफ बदल जाएगी। ये तुम्हें किसने बताया? हमारे ज्योतिष बाबा ने। माँ, मैं शादी तभी करूंगा जब मेरी बहन को अच्छा लड़का मिलेगा। अगर वो तुम्हारे भरोसे बैठी रही ना तो उसे संन्यास लेना पड़ेगा। माँ, लक्ष्मी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना है, ये तो मुझ पर छोड़ दे। अभी तू अपना मुंह बंद रख। मैं यहाँ कोई लड़की नहीं देखूंगा, कह दूंगा कि लड़की मुझे पसंद नहीं है, बस मारूंगी। दामाद जी क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, आप थोड़ा खाने में बिजी थे, अगर आप लड़की को बुला देते तो हम उसे मिल लेते। खाना किसी खास मौके पर ही मिलता है, मैं क्या करूं। अरुआ मने गायत्री सुभाश्री हिमजा, उसका नाम थोड़ा लंबा है, आप चाहें तो शॉर्टकट में बुलाएं। ये हमारी हीरोइन, इनका सिर्फ नाम ही नहीं इनकी ख्वाहिश की लिस्ट भी बहुत लंबी है। आजकल कुछ लड़कियां चाहती हैं कि उनका दूल्हा हेलीकॉप्टर में उड़े, ये भी उन्हीं में से एक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करना चाहती हैं, और अमेरिका में नहीं ये चांद पर जाकर सेटल होना चाहती हैं। जरा देखो तो, ए, देखना उसे। एक और फोकटिया आ गया। लगता है बेटी भी इससे सेट हो रही है। ये तो देखने से भी मना कर रहा था। ए, क्या कर रहा है? बैठ जाओ। आप इंफोसिस में काम करते हैं या टीसीएस में? नहीं, नागेश, मेरे दोस्त मुझे नागा नागा ऐसे बुलाते हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं? सर, आपको 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए?
BHK? सर मुझे एक सुपर पार्टी मिल गई है, कल डील फाइनल कर सकते हैं। सर वो टूलेट का बोर्ड हटा दीजिए ना। टूलेट का बोर्ड? थैंक यू सर, थैंक यू। माँ ने कहा था कि जैसे तुम मेरी वाइफ बनोगी मेरी लाइफ बदल जाएगी। सच ही कहा था, तुम्हें देखते ही एक अच्छी डील मिल गई। योर लकी गर्ल। अच्छा आप कहाँ काम करते हैं? हाउस लैंड मीडिएटर। मीडिएटर? यस बॉस। ये लक्ष्मी नगर गली नंबर 8 का है। लक्ष्मी नगर? हे इसे जरा लक्ष्मी नगर का पता बता दो। मुझे नहीं पता। अच्छा तुझको नहीं पता है? तू स्टेट एजेंट की बेटी है ना, और तुझे नहीं पता? हे एड्रेस तो बता दे क्या? हे एजेंट की बेटी। कितना टाइम लगाते हो, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ। 5 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। जब आप जानती थी कि पापा ब्रोकर हैं, तो आपने इनसे शादी क्यों की? इनके घर वालों ने मुझसे झूठ कहा था कि ये बैंक में काम करते हैं। लगता है खुद मेरे भाग्य फूटे थे जो इनसे शादी हुई। तो रही इनके साथ, अगर मैं आपकी जगह होती तो इनका गला काट देती। जहाँ भी मैं जाती हूँ सब मुझे ब्रोकर की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं। देखो ना, अब ये टॉर्चर खत्म होना चाहिए। मैंने एक अच्छा सा लड़का देखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छा और सच्चा लड़का है। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की। तुम्हें मैं ना पसंद हूँ या फिर मेरी जॉब? तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी पसंद नहीं हो। वैसे तो लड़कियाँ इंसान देखती हैं, उसका प्रोफेशन नहीं। Yes, I want software engineer only. जो ना दिन देखता है ना रात, ना धूप देखता है ना बरसात, और एक ठंडे कैबिन में गधा मजदूरी करके अपनी सेहत की ऐसी की तैसी करता है, फिर अपनों को छोड़कर पूरी जिंदगी पैसे कमाने के पीछे भागता रहता है, बस और कुछ नहीं। IT boys. और तुम्हें वही चाहिए ना? हाँ चाहिए। 50,000 मंथली सैलरी और जरूरतें पूरी करने के लिए 55,000 की EMI भरना, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। और ब्रोकर का काम है लोगों से लंबी लंबी फेंक कर इतनी की प्रॉपर्टी है इतना कहकर अपनी आत्मा को बेचकर कमीशन बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना, यही ब्रोकर का जॉब है ना? हे, चाहे भगवान भी आकर कहे फिर भी कोई मानेगा नहीं कि इस जेंटलमैन ब्रोकर नागेश ने एक पैसा कभी ऊपर का कमाया है। इसलिए तुम एक भी डील फाइनल नहीं कर पाए हो। इसे कैसे पता चला? मुझे लगता है तुम ब्रोकर नहीं हो। आज तक किसी सर्कस के जोकर हो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। गेट लॉस मिस्टर ब्रोकर नागेश। गुड बाय मिस अरुआ मनाई गायत्री सुबह श्री हिमजा। नॉट अरु मनाई, इट्स अरुनमा, इट्स माय फैमिली नेम। मम्मी, उन लोगों ने तुझे नंगा करके मारा है। अब मेरी बात कान खुलकर सुनो, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हैं, वो हमेशा अपने आप को अपने दूल्हे के सामने सुपीरियर दिखाती हैं। पर सर तो जॉबलेस है। अरे अरे मार मत। जब भी मैं इस पर गुस्सा करता हूँ तो मारने के लिए खड़ी हो जाती है। चलो मैं जाता हूँ, तुम रहो अपने भैया के साथ में। क्या मुझे मेरी परफेक्ट मैच मिलेगी? मिलेगी मिलेगी। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि तू रियल एस्टेट ब्रोकर है, वैसे ही उन्होंने कहा कि वो फोन करके बताएंगे। अगर घर का बड़ा बेटा घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरी बात मान लो बेटा, कुछ नया काम शुरू कर लो ना प्लीज। करोगे ना? हमारे समय में पढ़े लिखे लोग कम होते थे लेकिन बुद्धिमान बहुत होते थे, लेकिन आज पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, बुद्धिमान होना चाहिए। लेट मी स्टार्ट द इंटरव्यू। कोयम्बटूर में दादी है और ऊटी में उसकी पोती है, दोनों एक ही समय में एक ही तरह के बर्तन में इडली बना रही हैं। इन दोनों में से कौन सबसे पहले इडली बनाएगी? यही सवाल मैंने आज तक 2883 लोगों से पूछा है, लेकिन किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। ऊटी वाली जो पार्टी है वो सबसे पहले जीतेगी सर। कैसे? कोयम्बतूर की तुलना में ऊटी समुद्र तल से 7,300 फुट ऊपर है, तो वहाँ वातावरण में दबाव काफी कम होता है, तो वहाँ की हवा में नमी बहुत ही जल्दी आ जाती है, इसलिए ऊटी में इडली बहुत ही जल्दी बन जाएगी सर। सुपर। 1979 के IAS के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब तुमने इतनी आसानी से दे दिया, यानी तुम जीनियस हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी मुझे विश्वास है। अगर फिर भी मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट देखूं तो आई एम एन इडियट। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। माँ जैसे तुम चाहती थी वैसी जॉब मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हुई। हेलो सर, आई एम गायत्री। बोलो मैडम। मैं BBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MBA करेस्पोंडेंट से कर रही हूँ। सर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैं सवाल पूछकर वक्त बर्बाद क्यों करूँ? आप बहुत क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट लड़की हैं, पर आज आपका बैड लक है। अभी मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, जीनियस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सर क्या आपने इसे सेलेक्ट किया है? बिल्कुल। क्या मैं इस जीनियस से एक बार मिल सकती हूँ? व्हाई नॉट। देखो मैं, ये बहुत जरूरी बात है, तुम मेरे लिए उस लड़की से भी गोरी लंबी और ब्यूटीफुल लड़की ढूंढना, मैं उसी से शादी करूंगा। बेटा तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है ना, तो लड़की बहुत अच्छी मिल जाएगी। सर माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा।
भगवान ने लड़कियों को खूबसूरती दी है तो मर्दों को दिमाग दिया है। मैं जिस जीनियस की बात कर रहा था वो यही है। हेलो मिस्टर ब्रोकर नागेश, कैसे हो तुम? ब्रोकर सर, आपने इसे कैसे अपॉइंट कर लिया? क्या आपने इसका रिज्यूमे ध्यान से पढ़ा? नहीं, मैं सर, टेंथ में 5 बार अटेम्प्ट किया, 12th में 3 बार अटेम्प्ट किया, डिग्री में 4 साल लगाकर थर्ड क्लास से पास आउट किया है इसने। ये तो बहुत लगा। इलेक्शन के टाइम ये प्रचार करके खर्चा चलाता है। अब आपको ये जीनियस चाहिए या मेरी जैसी गोल्ड मेडलिस्ट? मेरा नाम है अरमन गायत्री सुभश्री हिमजा, गोल्ड मेडलिस्ट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब ओरिएंटेड एंड वेरी डेडिकेटेड 100%। म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। माय पैशन एंड प्रोफेशन टुगेदर मेक एक्सेलेंट बिजनेस प्रॉस्पेक्टस। क्या बात है मैडम, आप तो ब्रिलियंट हैं। भगवान ने आपको खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी बहुत दिया है। इस कंपनी में आपकी तरह ब्रिलियंट और खूबसूरत लड़की की जरूरत है। भाई ये अपना रख लो, मुझे गलत मत समझना सर, प्लीज। एक बकरा अपने कसाई पर हमेशा भरोसा करता है। आपको ये अंग्रेज की बच्ची मुबारक हो, मैं चलता हूँ सर। तुझे भी इस जॉब के साथ एक दिन हासिल करके रहूंगा। हेलो ब्रोकर नागेश, तुम इस जॉब के लिए ही नहीं, किसी भी जॉब के लायक नहीं हो। सुनीता। यस सर। आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसल। बेकार और जॉबलेस लोग ही पार्क में आते हैं, और पार्क में आने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। तू चाहे कुछ भी बोल यार, मैं उस गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं छोड़ूंगा, उसने तेरी जॉब छीनी है। थैंक्स भाई, हमें उसे भी हासिल करना है। सर आप ये बुक देखिए, इसमें दुनिया की हर जानकारी मौजूद है। सर एक बुक ले लीजिए ना। कोई सिनेमा वाली बुक हो तो दे दो। क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? कितनी किताबें बिकी? अभी नहीं बिकी सर। अभी नहीं बिकी क्या मतलब है? अगर आज 100 किताबें नहीं बिकेंगी तो ऑफिस में कदम मत रखना। किस ख्याल में तेरी आइसक्रीम पिघल रही है? फोन रखो। ए, ये मेरे ससुर के पैसे है भाई। मुझे 5 बुक्स चाहिए, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। मैं दूसरों के लिए बहुत लकी हूँ, 5 मिनट में सब बेच दूंगा। हे गायत्री, तेरी सारी बुक्स खत्म हो गई? सारी किताबें बेच दी। बेच दिया? हाँ, पर खरीदा किसने? और हमारे पास किताबों का भंडार लगा है। किताब बेची थी वो बहुत लकी कस्टमर था। मैं दूसरों के लिए बहुत लकी हूँ, 5 मिनट में सब बेच दूंगा। ए, मेरे पैसे से करो। इसे पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगी सर। सभी एग्जाम्स की चाबी एक ही बुक में, 5,000 की बुक डिस्काउंट में 3,000 के साथ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, IAS, IAS, TNPSC, गवर्नमेंट एग्जाम, एक किताब सभी का बाप। आओ आओ ले लो, पूरा डिस्काउंट चल रहा है, इतने कम दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आओ, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 300 की किताब 3,000 में बेच रहा है, इस आइडिया से उस लड़की को तू नीचा दिखा पाएगा। मान गया यार, तू तो बहुत बड़ा जीनियस है। सगाई एनजी इस किताब की वजह से IAS बने, अब्दुल कलाम जी भी इसे पढ़ चुके हैं। बस एक ही किताब बची है, अगर इसे सरकारी दुकान से खरीदेंगे तो बहुत ही महंगी मिलेगी। IAS, IAS, TNPSC, गवर्नमेंट। इसे पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगी सर। बस एक इसे पढ़ने से पक्का मिलेगी। कंपनी 3,000 में दे रही है। सर, सर मत खरीदना, एक लड़की का किताब वहाँ 300 रुपए में बेच रही थी, इसने उसी से न जाने कितने में खरीदा और हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहा है। पकड़, एक नंबर का चालू है। इतनी मेहनत और दिमाग अपनी जॉब में लगाता ना तो अब तक अंबानी बन गया होता। तेरा दिमाग सिर्फ लड़कियों से ठोकर खाने के बाद ही चलता है क्या? दिमाग की बत्ती जलाइए, आइए आइए, एक किताब बची है सर, आइए। IAS एग्जाम के लिए इतना काफी है, तुम्हारे पैसे अब लो भी। थैंक्स मिस्टर नागेश। तुझसे प्यार करती है ना? हाँ बोलो ना। फिर ये इस लड़के को यहाँ क्यों लाई है? मुझे क्या तो लगता है तेरा पत्ता कट होने वाला है। ये प्यार कैसे होता है सर? प्यार कैसे होता है ये तो बच्चा भी बता देगा। क्या कहा? हाँ, सर बताएंगे। एक बात सुन लो भाई, प्यार कोई मकान मालिक और किराएदार के बीच की लिंक तो है नहीं। किराएदार और मकान मालिक के बीच के बंधन को प्यार कहते हैं, जो एक अटूट बंधन होता है। सुपर सर, वो
जो प्यार नहीं समझता उसे क्या कहते हैं सर? ऐसे लोगों के लिए कोई अलग सी परिभाषा नहीं है। यार तू घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहा है, सीधा मुद्दे पर आना। वो ये सर... लड़की से प्यार करता है पर उसका परिवार इसे स्वीकार नहीं कर रहा। उस लड़की ने रजिस्टर मैरिज करने से मना किया है। अच्छा होगा अगर तुम क्या बात है यार, इस लड़की ने तो तुझे सोशल वर्कर ही बना दिया है। अबे इस तरह की सर्विस देना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। कौन है वो बदकिस्मत लड़की जिसने अरविंद के प्यार को रिफ्यूज कर उसकी दिया? उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होना कोई मैटर नहीं करता है, बताओ कौन है वो? उसके दो दो बड़े भाई हैं, वो उनसे बहुत डरती है। उसके ब्रदर से? अच्छा मुझे मिलाओ, उसे उठा लेता हूँ। अरे राजू जरा इसे मेरे बारे में बता। इसी महान इंसान की वजह से मेरी शादी हुई पर वो मुझे भाव नहीं देती। ये सब कोई मैटर नहीं करता, बस एक बार तू मुझे लड़की दिखा दे फिर उसे उठा कर तुझसे शादी करा दूंगा। तो इसकी बैंड बजाने पर तुला हुआ था लेकिन इसने तो तेरी ही बैंड बजा दी। अच्छा अच्छा कहानी में ट्विस्ट आ गया। नागेश, क्या हुआ तुझे? अरे मुझे कसम से नहीं पता था वो आपकी बहन है, पर सर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। God promise, मुझे भी नहीं पता था। मेरी बहन तो बहुत भोली है, जरूर इसी ने उसे बहला फुसला लिया होगा। ए, रुक जा यार। पहले तूने तो कहा था कि सोशल वर्क करना नेक काम होता है, अब तेरी बहन की बारी आई तो मुखर रहा है क्या? फिर भी बुरा लगता है यार, जब एक बहन किसी के प्यार के चक्कर में पड़ती है तो सिर्फ भाई उसका दर्द समझ सकता है। अबे तू मेरा दोस्त हो के मेरा दर्द नहीं समझता? सही कहा, अगर सिर्फ ये तेरी बहन से प्यार करता तो मैं इसके कान के नीचे बजाता, लेकिन ये भी उससे प्यार करती है ना। देखो एक बात बताता हूँ, मेरी बहन बेचारी बोल नहीं सकती, अगर इस बेवकूफ से इसकी शादी हुई तो इसके घर वाले कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर ये लड़का मेरी बहन से सच्चा प्यार करता है तो इसे इसके घर वालों को मेरे घर लाना होगा या फिर मेरी बहन को भूल जाए। आओ नागेश, सॉरी। कितनी सुंदर लगती है मेरी बहन। बेटा लक्ष्मी तैयार हो गई हो तो इसे बाहर भेजो। जल्दी करो। अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अरे आप ऐसे मत सोचिए कि एक विधवा किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकती है। अंकल सही कह रहे हैं, आओ माँ। इतना ही काफी नहीं होता कि माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए कमाएं, बच्चों को भी अपना जीवन साथी चुनने के लिए पूरा हक देना चाहिए। मेरे बेटे ने जल्दी पकड़ ली और मुझे मना लिया। मैं इस शादी का पूरा समर्थन करता हूँ। हम यहाँ अपने बेटे का सौदा करने नहीं आए, मैं आपसे एक पैसा भी दहेज नहीं लूंगा। हमारा परिवार काफी बड़ा है और रिश्तेदार भी, आप शायद उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। शादी के बाद हम दोनों परिवार तो एक ही हो जाएंगे, शादी के बाद आपकी बेटी भी हमारे परिवार का हिस्सा होगी। पर मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे कहूँ। आपने बोलते बोलते अपना फ्लो क्यों तोड़ दिया, उसी फ्लो में बोलते रहिए ना। अगर हमारी तीसरी बहू भी बहुत सारे जेवर लेकर हमारे घर आएगी तो इन दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। पापा ये सच है कि मेरा बेटा ही मेरी दौलत है, लेकिन समाज का भी तो कुछ ख्याल करना पड़ता है। देखिए आप लोग मेरे बात का बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोग की क्षमता है तो 150 तोले सोना तो दीजिएगा। अगर आप लोग सोना देने के लिए राजी हैं तो मैं शादी के बाद आगे बढ़ाऊंगा। हर माँ बाप की बस यही एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचे। अगर 150 तोला सोना मेरी बेटी की जिंदगी बदल सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। माँ ए शक्ति कैसे माँ? मैं हूं ना। आपने उनकी शर्त मानी कैसे? आप लोगों को पता है कि आप किस पर डिपेंडेंट हैं? इस पे कोई भरोसा करेगा? ये यहाँ खुद बैठकर खाता है और मैं अकेले मेहनत करके पूरा घर संभालता हूँ। 150 तोले सोने की कीमत 40-50 लाख रुपए होती है। अगर मैं लोन भी ले लेता हूँ ना तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूरा लोन नहीं भर पाऊंगा। मैं इतना भार नहीं उठा पाऊंगा, कोई दूसरा लड़का देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता माँ? लक्ष्मी और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। लव मैरिज? लव मैरिज? और आप लोग मुझसे अरेंज मैरिज बोल रही थी? तू वैसे तो बहुत सीधी बनती है। क्या कर रहा है? चुप रह तू। पागल हो गया? बहन पे हाथ उठाएगा? इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है।
तू जब उन लोगों घर में लाया था ना, तभी मैं समझ गया था कुछ दाल में काला है। इसकी शादी इसके हिसाब से करनी है या नहीं करनी है वो आप समझो। इसका भाई होने के नाते सिर्फ 30-40 तोले सोने के पैसे दे सकता हूँ बस। इसके अलावा मैं एक पैसे भी अपने पास से खर्च करने वाला नहीं हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी। लक्ष्मी, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तो अचानक तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से गुजर गए। जानती हूँ आप ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। मेरी हालत के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हमने इस घर को खड़ा करने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। अगर आप घर नहीं आएंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा? हमारी बेटी बहुत खास है, बेचारी बस ये बोल नहीं सकती। जब ये बड़ी होगी तो इसकी शादी करवाने के लिए काफी मुश्किलें आएंगी, इसीलिए ये घर मैंने इसी के नाम से बनाया है। हमारे बेटों का क्या होगा? अगर ये दोनों अपने बाप की जायदाद पर जीने का सोच रहे हैं तो ये इंसान नहीं है। पर इन्हें भी मेरी बेटी की वजह से मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जब तक लक्ष्मी की शादी नहीं होती तब तक ये बात किसी से मत कहना। मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता। क्या ये बच्चा अशोक का है या नहीं? नहीं दीदी, पर तू तो 2 साल से उसके साथ घूम रही है। इस एपिसोड के साथ मेरा एपिसोड भी शुरू कर देता हूँ। अगर वो कहीं भी गिर जाए उसे तभी हॉल में ही सुनाना। जाओ, मेरे ऊपर कहाँ गिरे जा रहे हो तुम? सीरियल भी ठीक से नहीं देखने देते। एक दिन ना मैं तेरा ही सीरियल बना दूंगा। लगता है मेरी किस्मत में सुहाग रात नहीं है। सेम फीलिंग। ए सुनीता। हाँ? हमारे बीच का प्यार का कमल खिलेगा? तुम तो मुझे एक बार भी छूने नहीं देती हो। 10 साल हो गए हमारी शादी को और अब तक तुमने कुछ करने ही नहीं दिया। अच्छा पहले खड़े तो हो जाओ। वो कुछ भी कर ले तब भी उसे हॉल में ही सुलाना। अरे देखने तो दो कौन आया है, हटो। कौन है ये फुकटिया? कहाँ से आ गया? कौन कबाब में हड्डी आ गया? हटो उधर। क्या हुआ? वो तुम्हारा दोस्त आया है। कौन? वही जिसकी बहन की शादी है। वो जरूर कोई मदद मांगने आया होगा। जाओ जल्दी से बाहर से भेज दो। अरे रुको, क्या हुआ? बगल में चले क्या? देखो ये शादी उसकी बहन की है, ये शादी तुम्हारी बहन की नहीं है। अगर तुमने उसे कोई कॉफी या चाय के लिए पूछा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ। ठीक है। मैं अभी गया और अभी आया। अरे जाओ ना। राजू मेरे भाई, तू पहले बाहर आ। क्या हुआ? तू नहीं समझेगा, तू अभी बचा है यार। छोड़ यहाँ क्यों आया बता। ए, बहन की शादी का समाधान हो गया है। सुपर यार, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर तू ये बताने के लिए यहाँ क्यों आया? अभी अपने गाँव जाना पड़ेगा इसलिए तुझे लेने आया हूँ। चलना। इतनी जल्दी भी क्या है, कॉल करके बताना चाहिए था ना। अगर मैं कॉल करता तो तेरी बीवी तुझे बहुत मारती। बड़ी मुश्किल से तो उसे पटाया था मैंने आज। तू जा, मैं बाद में आता हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, चल। अरे यार तू समझने की कोशिश कर। तू आज कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ चल मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगा। ए तू बार बार कहता था ना कि मुझसे हर काम हमेशा खराब होता है और अब तू ही अपना हाथ खींच रहा है। मेरी प्रॉपर्टी की कुल कीमत है 1 करोड़ रुपए और कमीशन के तौर पर मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा 10 दिन में। 10 दिन में वो भी 2 लाख रुपए? या नहीं आ रहा है, एक बार सोच ले। तू 20 लाख देगा तभी मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं आऊंगा। राजू कॉफी पियो ना भाई। ये तो कीड़ी मार गई, इसका इरादा क्या है? अंदर आइए ना। ठीक है बहन।
मैंने अपनी बहन की शादी फिक्स कर दी है तो मैं इसे लेने आया था। ओ, क्यों नहीं इन्हें भी ले जाओ। ठीक है। तुम क्या घूर रहे हो मुझे? फ्रेंड की बहन को हमेशा अपनी बहन समझना चाहिए। जाओ और मेरे भाई की मदद करो। आज भाभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है। चल रेडी हो जा, चलते हैं। ठीक है यार, मुझे 5 मिनट नहीं 10 मिनट तुम यहाँ इंतजार करो। हाँ तुम अंदर चलो ना, मुझे बैग पैक करके रेडी। अपने लिए लड़की देखने जा रहे हो? जैसे हो वैसे ही जाओ। मेरी तो किस्मत ही खराब। बढ़िया भाभी, बहुत सही किया। ए, अब चलना। 10 मिनट रुक जाता है यार। भैया। हाँ, क्या बहना? ये पैसे के मामले में थोड़ा बुद्धू है, आप कमीशन का 2 लाख रुपया मुझे ही दीजिएगा। हाँ हाँ समझ गया। लालची कहीं की। हे भगवान। गेट पर तो ताला लगा है, अंदर कोई होगा, आवाज लगाते हैं। सर सर, सर कोई है? सर सर सर, अरे कोई है क्या? लाइट तो ऑन हो गई है, तो आ क्यों नहीं रहे? सर अरे सर, हे उसके नंबर पे कॉल कर, फोन पूरी तरह भीग गया है, अभी ऑन नहीं होगा यार। दे मैं कोशिश करता हूँ। जाने दे, अभी थिएटर में चलते हैं, सुबह आ जाएंगे। हाँ चल, चल। कहीं सोने की जगह ढूंढते हैं। अरे इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी सो जाते हैं यार। चलना अंदर देखते हैं, शायद अच्छी जगह मिल जाए। हम यहाँ पार्टी करने नहीं आए हैं, यहाँ बहुत सारे सांप बिच्छू हैं, हमें खा जाएंगे। रुक जा, मैं चेक करता हूँ। ए कभी तो मेरी बात सुना कर। ये नागेश थिएटर तो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ जरूर कोई डरावनी चीज होगी। मुझे डरा रहे क्या? मैं इतनी आसानी से नहीं डरने वाला, मुझे डर तुझसे लगता है। वो क्यों? 10 साल हो गए पत्नी को छुआ नहीं, इसलिए तू बच के रहना और वहां से हिलना मत। हा गुड नाइट। नागेश, नागेश कहाँ गया? Didn't know what to do. What's for me to do?
यहाँ की लोकेशन मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। पर चला क्या? ये चेन्नई के काफी करीब है। ए, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। तुम्हारी आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हैं। दीपिका पादुकोण की तरह लिप्स हैं। इन सभी के गुण मिलाकर तुम इस धरती पर जन्मी हो। थैंक यू। मुझे पता है तुम सब झूठ बोल रहे हो, पर मैं ये बार बार सुनना चाहती हूँ। एक बार फिर से कहो। फिर से कहो। तो था ना, ऐश्वर्या राय की तरह तुम्हारी आंखें हैं, दीपिका पादुकोण की तरह लिप्स हैं, कैटरीना कैफ की तरह तुम्हारा फिगर है। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अकेला छोड़कर चला आया? चला। ए, क्या हुआ बे? हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चल साथ में। हे, वहाँ क्या हो रहा है? मिस वर्ल्ड, मैं 5 मिनट में फिर से कॉल करता हूँ। बाय। हाथ ऊपर रखने देना यार। ठीक है, पैर रखने दे ऊपर। अरे ओ सनी लियोन, अब तू ही मुझे बचा। अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी तो क्या करोगे? चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने तुझे चुन लिया। गाना खत्म हो गया। मेरी शादी के बाद अगर फर्स्ट नाइट पर मुझे पता चले कि लड़का सॉफ्टवेयर का कीड़ा है और कहीं उसके सिगरेट से मैं जल गई और मेरे चेहरे पर दाग आ गए और फिर मैं तुम्हारे पास आऊं, देन विल यू एक्सेप्ट मी? अगर उस समय तक मैं कुंवारा रहूंगा तो एक बार सोच सकता हूँ। तो तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी का प्लान बना रहे हो? तुम मुझे धोखा देकर किसी और के साथ जा रही हो, तो मैं क्यों ऐसा नहीं सोच सकता? How can you think like this? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह ना सोचकर किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो। तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो। खुद ही मुझसे सवाल करती हो और खुद ही मुझे जवाब दे रही हो। मैं सब समझ गई, तुम्हें और कोई गेट पास मिल गया है, अब मैं तो टाइम पास हूँ ना। अरे तुम गलत समझ रही हो। हेलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा शांत रहो। मेरी जान, आजा, बड़ा मजा आ रहा है। यू चीटर, रास्कल। अरे गायत्री मेरी बात सुनो, जरा शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ वहाँ कोई लड़की है ना? ए, अरे फालतू की बात कर रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? फोन रखो। ए, आजा, फोन उठाओ यार। Get lost. खुद ही सवाल जवाब करती है और खुद ही कट कर देती है। क्या बात है? Shit. मजा आ गया। सनी लियोन तो मुझे मार नहीं सकती, कहीं मेरी पत्नी तो नहीं है? ए सुनीता, जब भी पप्पी लेने जाता हूँ पता नहीं कौन मारता है। नागेश, उठ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन होगा यार? ए मज्जा यार, मुझे डर लग रहा है। चुप कर और चलता रहे। पता नहीं कौन सी चुड़ैल होगी। ए रुक जा यार, मत खोल, मत खोल यार प्लीज। ये यहाँ कैसे आ गई? हटो यहाँ से। वो
अभी इतनी रात है। कहाँ है वो? कौन? मेरे आने से पहले उसे भगा दिया ना। ये क्या बकवास कर रही हो? प्यार मुझसे करते हो और यहाँ दूसरी लड़की के साथ हो? ओह, एए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम खामखा मुझे बदनाम कर रही हो। देखो, मैं इसके साथ था। इसके साथ? छी, किसी का कोई भरोसा नहीं। छी, ए रुक तेरी, ए रुको रुको रुको, गायत्री, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी लड़की नहीं है, चाहो तो तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ ना? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बेवकूफ अपनी सुहागरात के सपने देख रहा था, सनी लियोन के साथ ऐसा फील करके आवाजें निकाल रहा था, और तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो। वो मैं उसका फैन हूँ ना। सुनो, सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं बिना कुछ सोचे ही यहाँ आ गई, अब मैं यहाँ से जाऊँ। तुम इतनी रात को अकेले कैसे जा सकती हो? उससे अच्छा आज यहीं रुक जाओ ना। हम लोग इसे कल सुबह घर छोड़ देंगे। मुझे लैंडलाइन पकड़ा कर तू आईफोन लेके जा रहा है? तू यहाँ क्या करने वाला है मुझे सब समझ में आ रहा है बेटे। चल दूर हो जा इससे, चला जा, आओ। सो गया समझ रहे हो क्या? एक जमाने में उल्लू का बाप था मैं, रात रात भर जागने का रिकॉर्ड है मेरा। हाथ मत लगाना इसे, मुझे तड़पाया ना, अब तू भी तड़प। मेरे पास पूरा समंदर है और तू मुझे प्यासा मार रहा है, पता नहीं कहाँ चुकाएगा ये पाप। कल रात को ना अच्छी नींद लगी थी, फिर अचानक एक मच्छर गाल पर बैठ गया मेरे, एक मारा तो पूरा मुंह खून से लाल हो गया मेरा, मच्छर का खून नहीं मेरा खून था वो। और जब मैं उठा और चारों तरफ नजर घुमाई ना, तो इतनी बड़ी चुड़ैल खड़ी थी मेरे सामने। उसके एक कान के नीचे बजाया और दुम दबाकर भाग गई वो। ऐसा मारा ना कि दोबारा आएगी नहीं वो कभी। क्यों फेंक रहा है? जाना भाग यहां से। रात को चिपकने नहीं दिया, उसी बात का गुस्सा है ना तुझे? जाना। मैं सब समझ रहा हूँ, तू मुझे क्यों भेज रहा है यहाँ से। हेलो, जरा फोन नागेश को देना। तुम फिलहाल कहाँ हो? घर पर हूँ। क्या? अरे तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई? क्यों, मुझे किसका डर है? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? जरा एक मिनट, जल्दी जाओ और फोन नागेश को दो। हमारा कल छोटा सा झगड़ा हो गया था, उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की। देखा मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कितना प्यार करती है। हेलो, अरे फोन पर तो कोई नहीं है। तू दिन में भी सपने देख रहा है क्या? लगता है रात का भूत तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चल, तुम्हारे पापा के ऊपर भूत सवार था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा नाम नागेश रखा। बड़े दुख की बात थी, वो इतनी जल्दी गुजर गए, पर तुम्हारी माँ बहुत हिम्मत वाली थी, उसने तुम्हें पाला। तुम यहाँ आए कब? जी कल रात। फिर तुम कल रात यहाँ क्यों नहीं आए? आप यहाँ थे नहीं तो हम थिएटर में ही सो गए। हे भगवान, क्या हुआ अंकल? कल रात थिएटर में थे? हाँ, क्यों, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? उस थिएटर में भूत रहते हैं। भूत? यहाँ सभी को इसके बारे में पता है, मैंने वहाँ कई बार फिल्म लगाने की कोशिश की पर मैं नाकामयाब रहा, वो कभी नहीं बिकेगा। ये अफवाह फैलाई गई है जिससे थिएटर का रेट गिर जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो, ये बड़ी बात है कि तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। उस डरावनी जगह को कोई नहीं खरीदेगा यार, चल यहाँ से चलते हैं। पता नहीं कैसे बच गए, पर हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हम ही अपनी जगह पर जाने से डरेंगे तो उसे कौन खरीदेगा अंकल? मैं नहीं चाहता कि ये डील खराब हो। इस थिएटर को बेचकर मैं अपनी बहन की शादी करा सकता हूँ। अगर मैं वहाँ रहूंगा तभी तो लोग मानेंगे कि वहाँ कोई भूत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस अच्छा खरीदार चाहिए। मेरी बात तो कोई बात नहीं अंकल, मैं संभाल लूंगा, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ए चल यार, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। डर क्यों रहा है,
तुझे कमीशन नहीं चाहिए? मुझे नहीं, इसे मारो। अबे फोन वाइब्रेट हो रहा है। मैंने कब कहा फ्लूट बज रहा है? हाँ बोलो। बेटा तुम कहाँ ठहरे हो? अपने थिएटर में ही माँ। क्यों? अब उन लोगों को परेशान क्या करना? और वहाँ बिजली और टैक्स के बारे में कुछ पता किया? सुंदरपाल अंकल ने अभी तक का सारा पैसा भर दिया है। काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। ठीक है माँ। हेलो सर, हेलो। आपको ना क्या? तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? अब पहचाना क्या? खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है क्या? गंगा, गूगल गंगा, लेडी ब्रोकर। लेडीज ब्रोकर? हेलो, नहीं मैं लैंड ब्रोकर हूँ। तो पहले ही बताना चाहिए था ना, हम भी लैंड ब्रोकर है। काम की बात करो, चलो। सॉरी सॉरी, पार्टी इंतजार कर रही है, सुपर विलेज पार्टी। सुंदरपाल जी ने उन्हें भेजा है, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। ये चुड़ैल तो नहीं है ना? चलना यार। हेलो सर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर टैक्स बिल पूरा भर चुके हैं और ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये जगह सेफ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है चलिए। ये ग्राउंड है सर। क्या कुएं में पानी है? कुएं में हमेशा पानी रहता है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर छत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग एकदम मजबूत है। बस थोड़ा व्हाइट वॉश कराना पड़ेगा, बहन की शादी के लिए बेचना पड़ रहा है वरना मैं नहीं बेचता। हाँ सब ठीक है, लेकिन चेयर्स नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए सर, स्क्रीन भी अच्छी कंडीशन में और साउंड भी बहुत अच्छी जगह है सर। अगर आज डील हो गया तो हम माला माल हो जाएंगे। एसआरके ने थिएटर का इनॉग्रेशन किया है सर। मुझे तो ये जगह पसंद आई, हम कल ही डील करते हैं। थैंक यू। हम भी अग्रीमेंट बनाकर साइन ले लेते हैं, लेकिन गुरु से पूछना होगा। वो कहाँ है? आइए स्वामी। नहीं, ये जगह खरीदना ठीक नहीं है, बिना पीछे मुड़े निकल जाओ। ठीक है स्वामी, चल चलते हैं। सर, ए, सर 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 सर, भूत वगैरह कुछ होता नहीं है, सुनिए मेरी बात। ये बड़े लोग स्वामियों के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं? यार दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। चल दो ग्लास साड़ी देना, घर की दुकान समझ के रखी है। इसे पीकर दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। यार सच्चाई जाने बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसे वैसे हैं नहीं तो अंडे क्यों खरीदने आता है? यार अपनी देसी मारते हैं ना और एकदम हल्का हो जाते हैं। मुझे लगता है वो पागल है यार। लाओ एक और दो। ए, मेरी बात सुन, उधर क्या देख रहा है? हाँ ये सुना, ले पी। पकड़ इसे। ए, ए नागेश, ए रुक, ए रुक, ए रुक नागेश, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? कौन है वो यार? मैंने सुना है यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, ये दोनों चाय पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स? क्या चाहिए सर?
यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ सिर्फ चाय मिलती है। सिर्फ चाय मिलती है? फिर आपको क्या चाहिए? हमें तो पानी चाहिए, जब से यहाँ आए हैं हम प्यासे ही हैं। कौन है ये? थोड़े से डर के भाग क्यों रहे? आप लोग नागेश थिएटर में रुके हैं ना, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। बताइए ना आपको क्या दूं? दो चाय। हाँ, यहाँ के लोग ही एकदम से अजीब हैं। नजरिया की शादी होगी तो मेरा दिल टूट गया, जब कीर्ति की शादी हुई तो सोचा कि मेरा क्या क्या टूटेगा। एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत हीरोइन को शादी नहीं करना चाहिए। मेरा क्या होगा? ए, ए, रुक जा, जा। अभी से क्या हो गया? ए, रुक। ए, नागेश, अरे रुक। ए, रुक जा। नागेश रुक जा, रुक जा, क्या कर रहा है? बोल, कौन है तू? बोलता क्या नहीं है? बोल, बोल, हमें देख के हंसना क्यों है? बोल। ए नागेश, अरे अरे रुक जा, बोल, अरे छोड़ इसे, अरे छोड़, क्या कर रहा है तू? इसे बचाएगा? अरे क्या कर रहा है तू? छोड़, भाग लोगे तू? इसीलिए थिएटर के बारे में अफवाह फैलाई होगी और अभी कुछ बोल नहीं रहा है। मैं जानता हूँ ये कैसे मुंह खोलेगा। पिछले साल गवर्नमेंट ने ईस्ट कोस्ट की 60 दुकानें बंद करा दी, जो बची थी वो ये दुकान है। यही जगह है जहाँ सब पी सकते हैं। इस दुकान में पैसा बहता है। यहाँ का ओनर यहाँ की जमीन खरीदना चाहता है। ये सब प्लान उस बार ओनर ने बनाया है। भाई, इस साल आपको यहाँ की सारी जमीनें खरीद लेनी चाहिए, नहीं तो हाथ से डील चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी सारी जमीन के मालिक बने। हाँ भाई, मैं भाई के साथ हूँ। भाई, आप बैठिए ना सर। हाँ भाई, बैठो बैठो। बस आप एक बार इस पर साइन कर दीजिए, फिर ये जगह आपकी हुई। मुझे नहीं पता था कि ये थिएटर इतना बड़ा है। ये जगह तो कमाल की है। अरे यार, मुझे पता नहीं था ये थिएटर इतना बड़ा है। बताओ, इस जगह का मालिक भी नहीं है और तुमने गवर्नमेंट ऑफिसर को 3 लाख रुपए देकर इस जगह के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ के मालिक बन गए। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। कल से ही रजनीकांत की फिल्म लगाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। अबे आजकल ऐसी फिल्में मोबाइल और इंटरनेट पर देखने को मिल जाती हैं। अब ऐसी फिल्में इस थिएटर में देखने कौन आएगा? बेचारा बार ऑनर अरविंद थिएटर खरीद लिया लेकिन नहीं बचा। तुम लोग भी थिएटर के पास बिल्कुल मत जाना, वहाँ आत्मा है। मैं तो एक बार भूत के लफड़े में फंस चुका हूँ, लेकिन मेरा दोस्त पूरी दुनिया भी कहेगी कि भूत होते हैं तब भी ये कभी नहीं मानेगा, है ना? तुम्हें इस थिएटर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जिंदगी का मजा ले सकते हो। चलो तुम लोग साइन करो।
अरे सुनो, उठो ना। अरे तुम भी सो जाओ। तुम कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानते। उठ जा यार। ए, उठ। यार हम यहाँ कैसे आ गए? ए, अरे किधर जा रहा है? रुक। हेलो ब्रदर्स, जॉगिंग कर रहे हो? मैं एक सुपर्ब खरीदार लाई हूँ, अल्ट्रा मॉडर्न एनआरआई पार्टी। जगह पसंद आ गई तो एडवांस भी मिल जाएगा, तो चले उसे जगह दिखाएं। हाँ चल, दिखा कर हम भी निकल ले। ओके। सिर्फ तुझे और मुझे ही भूत के बारे में पता है, इसलिए मुंह बंद रख अच्छा रहेगा। अरे इस जगह के बारे में तो पूरा गांव ही जानता है, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस एनआरआई को बेवकूफ बनाएं। तुझे लक्ष्मी की शादी करवानी है या नहीं, और मेरा कमीशन याद रखना। बुलाइए उसे। सर आइए 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 सर। दिखने में तो ये गंजा बहुत मालदार लगता है, डील होने पर नारियल इसके सर पे ही फोड़ूंगा। अंदर चलिए ना सर। आइए आप लोग अंदर चलो, मैं कॉल करके आती हूँ। गुड मॉर्निंग। वो क्या है कि मैं इस वक्त इंडिया में हूँ और नागेश थिएटर खरीदने के लिए आया हूँ। यहाँ और कितने ग्राउंड्स हैं? लगभग 8 हैं सर। ओके। तुम इसके अकेले ओनर हो? बस मैं अकेला ही हूँ सर। सिंगल ओनरशिप? हाँ चले। ओह काफी बड़ी स्क्रीन है। हाँ सर, 70 mm। मूवी लगाई जा सकती है? हम आपके लिए प्रोजेक्टर लगवा देंगे, क्योंकि बिना रील के स्क्रीन पर मूवी नहीं चलती। ये झूठ है, चल सकती है। थिएटर हमारा है, हमें पता है सर, मूवी नहीं चलेगी सर। तुझे देखना है? तू एक बार ये जगह खरीद ले, फिर कभी फिल्म का नाम नहीं लेगा। खुद को डॉन समझता है क्या? कैसे चल रहा है देखो। ये नौटंकी सच में एनआरआई है या ये हमें बेवकूफ बना रहा है? बाप रे, बहुत अच्छी जगह। इन लोगों को क्या हुआ? अरे तू भी भाग वहां से। मैं आपको बाद में कॉल करती हूं। सर, सर आप कहाँ हैं? सर सर आप मुझे सुन रहे हैं? कहाँ गायब हो गए? सर सर आप कहाँ पे हैं? सर ये तू क्या कह रहा है यार? जिसे हम सपने में देखते हैं वो सच में मर जाता है क्या? यार यहां से भाग जाना ही बेहतर है। चलो। अरे माँ का फोन है। बेटा शादी की डेट फिक्स हो गई है। मई महीने का शुभ मुहूर्त निकला है, शादी के कार्ड छपने के लिए दे दिए हैं। तू कब तक आएगा नागेश? क्या हुआ बेटा? हाँ माँ। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में फाइनल कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा सुन तो। बोलो माँ। क्या है? तेरी बहन ने शक्ति से शर्त लगाई है कि तू ये डील करके ही आएगा। इसे इस बार तुमसे बहुत उम्मीद है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। डील फाइनल करके जल्दी घर आना। माँ चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वो जगह काली पहाड़ी के पास ही है। कहीं दीप जले कहीं ओ चाचा एक मिनट। तो हमें काली पहाड़ी के पीछे जाना है। मैटर क्या है? एक आत्मा को घर भेजना है। आत्मा? कौन सी आत्मा? जो नागेश थिएटर में रहती है। नागेश थिएटर की आत्मा? अरे चाचा कहाँ जल्दी है, बता तो बता कर जाओ। सुनो रुक जाओ। अरे किसी ने हमें आवाज दी? हाँ यार।
यहाँ आओ। हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मैं सब कुछ जानता हूं। सोते समय इसे तकिए के नीचे रखना, इसे रखते ही भूचाल आएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने दोस्त के गेस्ट हाउस पर आया हूँ। मुझे सब पता है तुम वहाँ किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। यार मैं यहाँ राउंड मारने के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। जैसे तुम हमेशा सच बोलते हो, जरा सेल्फी भेजना। हेलो हेलो, छे ये पुलिस वालों की नौकरी भी ना अजीब होती है। छे पत्नी भी शक करती रहती है। कौन हो सकता है ये कातिल? क्या हमारे आदमी ऐसे ही मरते रहेंगे? भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट भी हैरान है इस बात से। सारे कत्ल बहुत ही बहरे में से किए गए हैं और कातिल ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, या और कोई कर रहा है। हमें महन जी से मिलना चाहिए। से मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ, दोबारा समस्या आने वाली है। स्वामी जी, इस नींबू का क्या करूं? इसे पवित्र वेदी पर रख दो। कल रात मैंने तुमको बुलाया था और यह नींबू तुम्हें दिया था, पर कल रात मैं था ही नहीं। कल रात मेरे रूप में वो दुष्ट आत्मा मिली थी। स्वामी जी कल रात को काशी गए थे और आज सुबह ही लौटे हैं। कल मैं काशी से ये विभूति एक अघोरी के पास से लेकर आया हूँ। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के चारों तरफ इसे छिड़क देना। इसे छिड़कते ही कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी। ये तो अच्छी बात है। लेना। अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तुम सोच रहे हो मैं वही दुष्ट आत्मा हूँ, लेकिन काली माँ ने मुझे तुम्हारे लिए ही काशी भेजा था। Only 2 minutes. Okay, okay. हाँ
वो लोग आ गए। बस एक मिनट। ए, तुम यहाँ कब आई? सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? हाँ? आज मेरा बर्थडे है। हाँ? ये गिफ्ट ऐसे देना जैसे तुमने दिया हो। ओके ओके। विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बकवास है, आज इसका बर्थडे है और तुम्हें याद भी नहीं था, पर फिर भी तू यहाँ पर इंतजार कर रही थी और मुझे भी इंतजार करा रही थी। कैसे भूल गया? चलो जल्दी। अब पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, मुझे याद तो रखना था। अरे मैं बहुत टेंशन में था यार, इसलिए मैं, अरे मैं सच कह रहा हूँ मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। ए, सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? अरे जाती हो तो जाने देना। जा सकती हो? एक बात बता यार, वो लड़की तेरे पीछे इतनी पागल क्यों है जो इतनी रात को यहाँ आ गई? अरे यार, अगर वो मेरे लिए इतनी पागल है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। तूने देखा ना, उस रात वो मेरे लिए यहाँ पर भाग कर आई। देखना इस बार वो फिर आएगी, और अगर तू इस बार मुझे डिस्टर्ब करेगा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कहा? उस रात की तरह? उस रात को ना यहाँ तेरी माशुका नहीं आई थी, तुझे जिसने पजेस किया था वो आत्मा थी। हा? अगर उस रात को मैं तुझे छोड़कर चला जाता ना तो तू ऊपर ही चला जाता और फिर नीचे कभी नहीं आता। तूने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? तू उस वक्त सुनने के मूड में था क्या? हाँ, तुझे अभी कहानी सुनाता हूँ। मुझे जिसका भी सपना आता है तो तुरंत आत्मा आ जाती है। अगर हम इन तीन कत्लों को मिलाकर उस पर ठीक से गौर करेंगे तो हम इस आत्मा का मकसद समझ सकते हैं। क्या होता है? यहाँ के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का कत्ल हुआ जो आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई, और तू खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रहा है जो ये सब सुलझा लेगा। पुलिस तुझे ही कातिल समझकर उल्टा लटकाकर पीटेगी। अब तू सिर्फ इस जगह को बेचने के बारे में सोच, अपनी बहन की शादी के बारे में सोच, और मेरा कमीशन बिल्कुल भी मत भूलना। तू बस कमीशन की सोच। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया इसे? कुछ भी हो जाए पर तू अपनी आशी की कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ बोलो। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, पर तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक तो है ना? ये सब छोड़ो। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ऐसा क्यों कह रहे हो, प्यार में ऐसा होता ही है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम आराम से सो रहे हो, देखो कहीं भूत ना आ जाए। मुझे लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं है, या और कोई कर रहा है। हेलो स्वामी जी, आपने कहा था उसके पास आत्मा भटक नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर तो एक विभूति छिड़के, उसके बाद भी एक आदमी मर गया, यही ना? हाँ। इस बार भी वही हुआ। जब जब भी इस धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान अपना हथियार उठाता है। तुम उसके काम में व्यवधान डाल रहे हो, लेकिन नियति में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। ये मौत का खेल अभी नहीं रुकने वाला। स्वामी जी, लेकिन इसमें उसका मकसद क्या है? आखिर दोषी कौन है, और मुझे ही ऐसे सपने क्यों आते हैं? मध्य रात्रि में चांद के डूबते ही तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जाओ, अब मुझे ढूंढने यहां मत आना। आ, 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 आ,
presently not reachable. Please try again later. बेटा जब तक वो आत्मा वहाँ से नहीं जाएगी तुम्हें कोई खरीदार नहीं मिलेगा। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं उस आत्मा को भगाने का कोई उपाय ढूंढूंगा, पर तुम थिएटर में मत रहो, तुम दोनों यहीं सो जाओ। कोई बात मेरी बात समझो बेटा, तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए बेटा। मैं सब संभाल लूंगा। हेमा जरा इन दोनों के लिए खाना लगा। ठीक है, अभी जाओ कमरे में आराम करो, इसे अपना ही घर समझो। जाओ बेटा। मुझे लगता है दोनों लड़कों की जान खतरे में है। ये मौत का खेल अभी नहीं रुकने वाला। मध्य रात्रि में चांद के डूबते ही तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सोता हूं, सपने देखता हूं, जिसका सपना देखता हूं वो मरता है। अगर मैं सो ही ना तो? बिल्कुल सही कहा, तू सोना ही मत, फिर देखते कैसे मौत होती है। हमें सोना नहीं है। हाँ? हम नहीं सोएंगे। हे, सो मत तू। इस थिएटर में सोने नहीं मिलता ना, इसलिए अभी बहुत नींद आ रही है। यार प्रॉब्लम तो तेरे सोने से होती है ना, मेरे सोने से तो नहीं होती ना, इसलिए मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हेलो नागेश, तुम कहाँ हो? मैं अपने पापा की दोस्त के घर पर हूँ। क्यों? तुमने कहा था तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ? तुम मुझे यहाँ बुलाकर खुद वहाँ कैसे चले गए? हाँ? मैं यहाँ थिएटर के सामने खड़ी हूँ। थिएटर के पास? मैंने तुम्हें वहाँ आने को कब बोला? हेलो नागेश। उसे थिएटर के पास किसने बुलाया होगा? शिट। अरे नहीं, फोन बंद हो गया। गायत्री, 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 गायत्री। गायत्री, गायत्री, कहाँ गई है? गायत्री, गायत्री, गायत्री। गायत्री, गायत्री, गायत्री।
तुम यहाँ पर कब आई? कल रात जब हम फोन पर बात कर रहे थे फिर तुम सो गए थे और मैंने ये सपना तो मैंने देखा था। तुमने भी देखा? हाँ। मैंने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। तुम मेरा सपना हकीकत में कैसे देख सकती? मुझे नहीं पता। मैंने कल कॉल रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब अब तक मैं ही सभी को मार रहा हूं। क्या हुआ? बोलो ना। क्या हुआ? नागेश, नागेश, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उसे मंदिर कहा जाता है, जबकि ये घर भी मंदिर जैसा ही लगता था हमेशा। हम सभी का कोई नहीं था, डॉक्टर शकुंतला अम्मा ने हमें बड़ा किया और पढ़ाया। आओ बेटा, खाना खा लो। मुझे मुझे यहाँ पकड़ो। आओ बेटा,
तुम्हें पढ़ लिख कर अपने भविष्य को उज्जवल करना है। वो अक्सर एक गुप्तचर को फेसबुक पर चेक किया करती थी हमेशा, और किसी टी नाम के शख्स को फॉलो किया करती थी। सन 1950 से पहले यहाँ पर किसी भी बड़ी बीमारी ने दस्तक नहीं दी थी। हम खेती में जैविक खाद का इस्तेमाल करते थे। हम उस समय स्वस्थ रहते थे क्योंकि हम स्वस्थ खाना खाते थे। उसके बाद विदेशी लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए और पैसों के लालच में आकर हमें रासायनिक खाद डालने के लिए कहा। उन्होंने हमें बहुत लालच दिया और डराया भी। हमारे खाने को जहर से भर दिया। उसे खाकर हमें न जाने कितनी बीमारियों ने घेर लिया। अब हम अपनी सुरक्षा के लिए उनकी बनाई दवाइयाँ खाते हैं। हमेशा जैविक खाना खाया करो जिससे तुम स्वस्थ रहो। ये सब किससे बताया है? राधा ने बताया। ये राधा कौन है? वो क्या करती है? वो बहुत बड़ी राइटर है। यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो नेट के जरिए सबकी जानकारी देती है। तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं जरा उसे देख के आती हूँ। नहीं नहीं, अरे आओ ना। अरे अरे क्या हुआ? एक मिनट रुको। कौन हो तुम? देखने में तो शरीफ लगते हो मगर ऐसे अंदर कैसे घुसाए? अच्छा, मुझमें मैनर्स नहीं है। मैं आधे घंटे से डोरबेल बजा रहा हूँ। आपको पता है कि इस शहर में ऐसा अच्छा घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और मैंने धक्के खा खा कर ये घर आप लोगों के लिए ढूंढा। आपको घर दिलाने में मदद की और अब मैं अपना कमीशन लेने के लिए यहाँ आता हूँ, तो आप नाती पोते मिलकर मुझे यहाँ पर घुमा रही हो? कितना हुआ कमीशन? 5000। 5000? ये तो बहुत है। मैम, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है। पेशेंट? क्या बात है, तुम रुको मैं अभी आती हूँ। पेशेंट आया है। अरे, बाहर। लेकिन मेरा कमीशन है। वो छोटा सा ट्यूमर है, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऑपरेशन में नहीं करा सकती। क्यों? मैं एक दूसरे हॉस्पिटल गई थी जहाँ डॉक्टर ने मुझे 15000 का खर्चा बताया। इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? इसीलिए मैं यहाँ आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है, रोना मत, शांत हो जाओ, चुप मुझे हो जाओ। अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारा फ्री में ऑपरेशन कर दूंगी, पर तुम्हें डॉक्टर की फीस तो देनी ही होगी। कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से। आपकी फीस कितनी? केवल 10। बस 10000? नहीं, सिर्फ 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए? ये लीजिए डॉक्टर, ये तुम डोनेशन बॉक्स में डाल दो। खुदा पर मेहरबान रहे। हेलो दीदी, मैं रवीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। मुझे और हम सभी बच्चों को वो लोग आश्रम से ECR के पास एक घर में लाए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, आप यहाँ कैसे भी आकर हम सबको ले जाइए ना प्लीज। तुम्हें वहाँ का एड्रेस पता है ना? हाँ पता है दीदी। देखो तुम डरो मत, मैं आती हूँ। ये लो अपना कमीशन पकड़ो, इसके बाद फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। पकड़ो। आप जो फ्री में ऑपरेशन कराती हैं, ये पैसे मैं डोनेशन दे रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? आज की दुनिया में कोई 10 रुपए की टैबलेट फ्री में नहीं देता, और आप 10 रुपए में किसी का ऑपरेशन कर देती हैं। आप इंसान नहीं भगवान हैं। रख लीजिए माँ जी। नहीं बेटा, मना मत कीजिए। मैं कहाँ रखी इसे? मैं चलता हूँ। हाँ बोलो क्या? साथ चलोगे? हा? 2000 दूंगी तुम्हें, बस एक घंटे की बात है। पैसे देने की बात कर रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, पर तुमने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? अरे मैं चेहरा देख के इंसान पहचान लेती हूँ। चलो बाइक स्टार्ट करो। चलो चलो चलो। क्योंकि मैंने तुम्हें तुरंत हाँ कह दिया, तो मुझे गलत मत समझना। अरे ये क्या बाइक चला रहा है? वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे यहाँ तो बहुत से लोग हैं, फिर तुमने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? हेलो, बाइक को रोको। चलो उतरो। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देती हूँ, पीछे बैठो। अब तुम बाइक चलाओगी? क्योंकि तुम कछुए की तरह चला रहे हो, अब मैं दिखाती हूँ। आजकल की लड़कियों को बहुत जल्दी रहती है। पकड़ के बैठना। चलो उतरो। हम यहाँ सब ठीक है? हाँ उतरो भी अब। अगर पुलिस की रेड पड़ गई तो? चुप कर।
नागा, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। वो अब तुझे ग्रीन सिग्नल दे रही है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसे ही खड़े रहो तुम। इसे अपने गले में डालो। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है? अरे तू इंतजार क्या कर रहा है नागा? आज मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं एक मर्द हूँ जिसे कोई नहीं हरा सकता। बैठो नीचे। आज दिखा। अरे बोला ना बैठो। अरे बैठो ना तुम। ओके ओके। हाथ पीछे करो अपने। ए, अरे तुम ऊपर क्यों चली गई? अरे तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ बस। ये लव मैटर है ना? नहीं, सीरियस मैटर है। अरे अपने पंगों में मुझे क्यों घसीटती हो यार? प्लीज प्लीज बात मत करो और मुझे बैग दो। जब तुम अंदर जा रही हो तो मैं यहाँ क्या करूँगा? देखो मेरा बैग दो। अरे छोड़ो, इसे हमारी तरफ चिराग तले अंधेरा कहते हैं। चलो अपना काम। मुझे मेरा बैग चाहिए, दे दो। यही रुकना तुम। पता नहीं 2000 मिलेंगे भी या नहीं। मैं अभी आती हूँ। How much kilo you need? We need 100 kilos of frozen packages every month. Can you assure to provide? Of course. How is it possible? As you know, India is the second most populated country in the world. I'm a politician. Nobody can question me. My word becomes law. As per the agreement, we will accept 100 kilo every month. Safely to your doorstep. Okay, we trust you. You will be credited with funds from a Seychelles account. If this contract proceeds regularly, you become a billionaire very soon. Our European alertness and elegance lies under the stealth of Indian blood. Happy to join hands with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, AC sir. Foreign deal okay ho gayi hai. Aapke liye treat hai. Aap intezar kariye, main aata hu. ये कमाल का प्रोजेक्ट है सर। आखिर तुम्हारी वजह से तो मिला है। ए, चलो उठ। क्या हुआ? छोड़ो ना। सर। भाई ठीक है ना? सर ओके है ना? ए, इस लड़की को कमरे में ले जाओ। चल। अरे चल। हाय। नानी, मैं उस बड़े आश्रम में जाऊंगी और खूब पढ़ाई करके आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी। मुझे भी सब लोग डॉक्टर बुलाएंगे, पर आप और दीदी को वहाँ मुझसे मिलने हर हफ्ते आना होगा। जरूर आएंगे मेरी बच्ची। हम इन सबकी यहाँ से भी ज्यादा देखभाल करेंगे। ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना मेरे बच्चों का। ठीक है नानी, बाय दीदी, बाय बाय। मुझे लगता है कि ये लड़की बचेगी नहीं। उसके मरने से पहले उसका सारा खून निकालना होगा।
थैंक यू। वहां कोई था, पकड़ो उसे। बाइक स्टार्ट करो। हाँ? अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ तुम्हें? हाँ? बाइक स्टार्ट करो, चलो। हाँ हाँ चल रहा हूं। हमारे देश में करीब 25 लाख परिवार हैं और 25 लाख अनाथ आश्रम भी हैं। अगर 10 परिवार मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें तो स्थिति सुधर सकती है। हम अपने देश में सारे अनाथ आश्रम खत्म कर सकते हैं, पर हम ये करने में असमर्थ हैं। इसलिए आज हमारे देश में अनाथ आश्रम की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कुछ संस्था इन अनाथ आश्रम को इंसानियत के लिए चलाती है, पर कुछ संस्था इसका गलत फायदा भी उठा रही है और अपनी अमानवीय तरीकों से अपनी जेबें भर रही है। ये लोग 10 साल के ऊपर के बच्चों के खून का प्लाज्मा निकाल लेते हैं। हमारे खून में रेड ब्लड कोशिका, व्हाइट ब्लड कोशिका, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। ये हमारे शरीर का वो द्रव्य है जो हमें शक्ति देता है। इस प्लाज्मा से एंटीडी इंजेक्शंस बनाए जाते हैं। जब माँ का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है तो एंटीडी इंजेक्शन माँ को प्रेगनेंसी के दौरान 28वें और 34वें हफ्ते में माँ को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये इंजेक्शन इंसान के खून में मौजूद प्लाज्मा से बनाया जाता है। जो प्लाज्मा लोगों को जीवन दान देती है, उस प्लाज्मा को आज ये लोग गलत तरीके से खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराने में और खुद को जवान रखने में यूज कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लाज्मा का इस्तेमाल ब्यूटी क्रीम्स और फेशियल मास्क बनाने में किया जा रहा है।
आज प्लाज्मा की बहुत डिमांड है, इसलिए ये बहुत महंगा बिकता है। ब्लड से प्लाज्मा निकालने के लिए हमें गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, पर यहाँ कुछ लोग अपनी पदवी और शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत से अनाथ आश्रम को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। फिर हफ्ते में एक दिन हर बच्चों के शरीर से खून निकाला जाता है। ये लोग खून से प्लाज्मा निकाल कर खून वापस शरीर में डाल देते हैं। उन बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो सब प्लाज्मा डोनर कब बन जाते हैं। इस तरह से प्लाज्मा गैर कानूनी तरीके से पाउडर में बदला जाता है और फिर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। गांजा, अफीम, हीरोइन सप्लाई करने से भी ज्यादा प्लाज्मा सप्लाई करना अपराध माना जाता है। इन बच्चों के अंदर से प्लाज्मा निकालने पर बच्चों के पेट पिचक जाते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाती हैं। और कुछ अमीर लोग इन बेचारों के खून से खुद को खूबसूरत बनाते हैं। ये पाप इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। मैं आपके सामने गैंग की सच्चाई लाना चाहती हूँ और जो भी लोग इस घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं, मैं उनकी वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? कब? राधा, तुम जाओ, गेट के पास खड़े रहो, जल्दी जाओ। ठीक है। हेलो सर, जो लड़की हमारा सारा राज जान गई थी वो कोई और नहीं, राधा है। वही हमारे खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाल रही थी। ये वही है जो ये सब करके फेमस होना चाह रही थी। वो इसी का अकाउंट था सर। वो हमारे लिए खतरनाक है। अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। उसे मारकर मछलियों के बीच में डाल दो। उसके पास हमारा और कोई सबूत तो नहीं है ना? नहीं सर, मैंने सारे सबूत खत्म कर दिए हैं। सर, क्या हम इसे खत्म कर दें? मैं वहां पर आ रहा हूँ, उसे जल्दी मत मारो। ठीक है सर, मैं वहाँ कैटफिश लेकर के आ रहा हूँ। हे, वो कहाँ गई? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? जल्दी करो, ढूंढो उसे, जल्दी जाओ। हाँ बोलिए सर। ऐसी सर, जो लड़की आज हमारे बंगलों में चोरी छुपे घुसी थी, उसे हमने पकड़ लिया है। हमें पता चला वो लड़की राधा है। वो राधा हो या कोई और सेलिब्रिटी हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो थेड राज में मेरे अंडर में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट इस सब की कार्रवाई नहीं करेगी। और एक बात सर, लेकिन किसी भी तरह बॉडी नहीं मिलनी चाहिए।
भैया क्या हुआ भैया मुझे माफ कर दो विश्वेश्वराय त्रिपुरांतकाय महाकाल रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः श्रीमन महादेवाय नमः ओम शांति ओम शांति ओम नमो हिरण्य महावे हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य पदाय अंबिका पदाय उमा पदाय पशुपताय ओम नमो नमः ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्व भूतानाम ब्रह्माधिपते ब्रह्मानोधिपते ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो हम अस्तु सदा शिवो हम अस्तु सदा शिवो हम ओम तत्पुरुषाय विद्महे वग विशुद्धाय धीमहे तन्नो शिव प्रचोदयात ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते में धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात महादेवाय त्रिंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिअग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय आज इस आत्मा की शांति के लिए उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा इस आत्मा को शरीर की तलाश होती है ये इस बच्चे के शरीर को इस्तेमाल करेगी ये आज सभी को चुन चुन कर मारेगी तन्नो शिव प्रचोदयात जय अनंत कोटि विश्वेश्वराय त्रिपुरांतकाय काल कालाय महाकाल रुद्राय इसका खून इस बच्चे के खून से मिल गया है अगर अब ये मरेगा तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी ये आत्मा इसके शरीर को खत्म कर सकती है नहीं तो ये आत्मा हम सबको मार देगी ए! शक्ति मार दे इसे ये अच्छा होगा कि हम उसे मार दें जिसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है कोई हमारा क्या कर पाएगा तभी हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं भैया कौन थी वो लड़की कौन सी लड़की बाइक पे जो आपके साथ में थी वो तो डॉक्टर की पोती है वो मुझसे रेंट पर घर लेना चाहती है राधा सोच क्या रहा है मार दो उसे मार उसे अरे क्या कर रहे हो अरे बस मार उसे अरे मर जाएगा पशु बताया अरे अरे रोक दो क्या कर रहे हो ब्रह्माधिपते ब्रह्मलोभधिपते ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो त्रिपुरांतकाय काल कालाय महाकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय
श्रीमान महादेवाय नमः, श्रीमान महादेवाय नमः, ओम शांति शांति, ओम सत्पुरुषाय वग्विषुधाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, ओम महादेवाय रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, तन्नो शिव प्रचोदयात्, तन्नो शिव प्रचोदयात्, महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरातनकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महान महादेवाय। हे शक्ति, हे क्या कर रहा, छोड़ दे मुझे, अरे पागल हो गया क्या, हे शक्ति महान महादेवाय जय अनंत कोटि विश्वेश्वराय। जाओ जाके गुड्डा लेके आओ। ठीक है। हिरण्यपताय अंबिकापताय उमापताय पशुपताय नमो नमः। ब्रह्मणोधिपति, जाओ उस दीवाल से जाकर रक्त लेकर आओ। ओम महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रियाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमो नमः। जय अनंत कोटि विश्वेश्वराय त्रिपुरांतकाय कालकालाय महाकाल रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः, श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमो हिरण्यभावे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदाय अंबिकापदाय उमापदाय पशुपदाय नमो नमः। ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणे। Ah!